नाहिद लारी खान जी, आज मैं आपसे शुरुआत करूंगी। कई बार महिलाओं के मसले पर आपने और मैंने बहुत सारी बहस की है। आप कितनी संवेदनशील हैं महिलाओं को लेकर, ये मैं बखूबी जानती हूं। आप भी महिला, मैं भी महिला। एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अब बहस इस बात पर छिड़ रही है कि कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। ये किस इनोसेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, ये बात आपकी सत्य है कि हम लोग ने बहुत डिबेट्स की हैं महिलाओं के मुद्दों को लेकर, जहां मैं संवेदनशील हूं, मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप भी बहुत संवेदनशील हैं महिला और बच्चों के मुद्दों को लेकर। आप पुरजोर तरीके से महिला और बच्चों के मुद्दों को उठाती रही और निष्पक्ष होकर आपने इन मुद्दों पर डिबेट्स किया है। देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और हमारी मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आर्थिक सहायता दे, तत्काल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे पीड़िता के परिवार को। दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सही दिशा में जांच होनी चाहिए। लेकिन हम साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इस घटना की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में बैठे लोग निर्दोष लोगों को भी फंसा दें। वो मैं बात इसलिए कह रही हूँ प्राची जी कि निर्दोष लोग ना फंसे, क्योंकि अभी जिस प्रकार से 2024 का चुनाव हुआ और श्री राम जी ने दलित समाज के, समाजवादी पार्टी के दलित समाज के नेता को अपना आशीर्वाद दिया, बड़ी जीत हुई समाज बीजेपी की, बुरी हार हुई। थोड़ी देर के लिए कम से कम चुनाव के परिणाम, दलित समाज, सवर्ण समाज, मुस्लिम समाज, यादव जाति, इसको अलग रख देते हैं, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपने कहा कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, मैं बिल्कुल 1-to-1 आपसे बात कर रही हूँ। इस पूरे केस में जहाँ पीड़िता 12 साल की बच्ची है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ गैंगरेप किया गया, हद तो तब हो गई वो पुलिस के पास जाती और पुलिस उसकी सुनती नहीं है, आपको कौन इनोसेंट नजर आ रहा है? कोई एक चेहरा जो आपको इनोसेंट नजर आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि इसे फंसाया जा रहा है? प्राची जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णता सहमत हूं कि क्राइम का ना कोई जाति होती और ना धर्म होता है। और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई भी किसी का भी नुकसान हुआ है तो वो उस बच्चे का नुकसान हुआ है, उस बच्ची का नुकसान हुआ, उसके परिवार का नुकसान हुआ, उसके भविष्य का नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारी संवेदना उस बच्ची के साथ है, उस पीड़ित परिवार के साथ है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मैडम, कैसी संवेदना है नाहिद लारी खान जी, जहां डीएनए टेस्ट की मांग कर दे रहे हैं? आपने तो पहले ही तय कर लिया कि पीड़िता झूठ बोल रही है। आपको डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ रही है मैडम? पीड़िता जो कह रही है उस पर आपको यकीन नहीं है, जो दूसरा पक्ष है उस पर ज्यादा यकीन हो रहा है आप लोगों को? प्राची जी, देखिए बीच में इंटरप्ट ना करिए, इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहना चाह रही हूँ, आप रोक दे रही हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी जांच करें आप निष्पक्ष जांच करें और सही दिशा में जांच करें। मान लीजिए अगर जो सपा के नेता हैं जिनका नाम ले रहे मोहित खान और जो पीड़िता है वो आपस में मिले होंगे, लोकेशन होगा, मोबाइल का, आजकल मोबाइल का जमाना है, बस कर दीजिए नाहिद जी, बस कर दीजिए। आप सुन भी रही हैं आप क्या कह रही हैं? आप एक तरफ पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ आप उसी पीड़िता के मोबाइल लोकेशन के बहाने ना जाने कौन कौन सी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर आपको पता है कुछ, आपको पता है कुछ किस मामले के अंदर क्या है, तो जाइए ना पुलिस को बताइए। प्राची जी थोड़ा, नहीं प्राची जी, हम तो आपके माध्यम से सरकार से अपील कर सकते हैं ना। हम सरकार में नहीं, अगर हम सरकार में होते तो इस तरह से निष्पक्ष जांच करते, डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, डीएनए टेस्ट भी हो जाए, जो दोषियों में तो आपसे ये बोल रही हूं, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, फिर मेरे पास बाकी मेहमान भी उनके पास जाऊंगी। एक तो आपने पहले से तय कर लिया कि पीड़िता झूठ बोल रही है, आप जिस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं आप उसी के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। आपने अभी माना वो सपा नेता है मोहित खान, आप बताइए ना प्राची जी, आप मुझे बताइए जांच पूरी होने तक उस मोहित खान पर कितनी कार्रवाई आप लोग कर देंगे? पार्टी से कब हटाएंगे उसे? जांच पूरी होने तक चलिए मान लीजिए, अभी भी पार्टी में है ना, आपके नगर अध्यक्ष है ना। प्राची जी, अव्वल तो ये बात आप कह रही है कि पीड़िता झूठ बोल रही है,
समाजवादी पार्टी मैं नहीं बोल रही मैडम, आप बोल रही हैं। ये ट्विस्ट मत करिएगा, ट्विस्ट मत करिएगा। डीएनए टेस्ट का मतलब क्या होता है? डीएनए टेस्ट का मतलब क्या होता है मैडम? आप राजनेता हैं, आप शब्दों से खेलते हैं, मैं नहीं। मुझे जो समझ में आता है मैं सीधा अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ। तो ये प्लीज ट्विस्ट एंड टर्न का खेल मत खेलिएगा। मोहित खान का जवाब दे दीजिए, पीड़िता पर छोड़ दीजिए। सारी जांच खत्म कर दें। हाँ। ये जांच का जो प्रोसेस होता है ये सब बंद कर दें।